ये है आखिरी पार्ट यानी सक मी शेक्सपियर 3। ये 2017 के अंदर आई थी और इस मूवी के अंदर सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया और वो कैसे उड़ाया गया ये सोच रहे होगे, बट इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी क्योंकि यार बताने से ज्यादा वो देखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एज यूजुअल मेलर वही अपनी जॉब कर रहा है यानी टीचर की जॉब करने में लगा हुआ है और उसकी जीएफ इसको छोड़ के जा चुकी है और इस मूवी में मेलर को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाया गया। अब वो क्यों दिखाया गया ये आपको मूवी देखने पर ही पता चलने वाला है। और एक बात, इस मूवी में आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे बिना इस मूवी को देखें क्योंकि यार ये मूवी पहली दो मूवीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फीकी नजर आती है। और इस मूवी के अंदर भी जो पहले दो पार्ट थे उसमें जो शैतान बच्चों की टोली दिखाई गई थी वो भी इसी के अंदर सेम टू सेम है। और इस मूवी का ये आखिरी पार्ट है तो इसमें क्या है कि इनमें इन बच्चों को ग्रेजुएट कराना है और इनको ग्रेजुएट कराने की जिम्मेदारी होती है मिलर को। साथ ही साथ स्कूल भी बंद होने वाला है तो प्रिंसिपल मिलर को कहती है कि अगर ये स्कूल बंद हुआ तो तेरी जो कंप्लेंट है वो पुलिस को कर देंगी कि तेरे पास एक जाली सर्टिफिकेट है और इस जाली सर्टिफिकेट के ऊपर तो टीचर बना हुआ है। और उसे धमका कर ये कहा जाता है कि तेरी जिम्मेदारी है कि इस स्कूल को बंद ना होने दे। अब मिलर अपने शैतान बच्चों यानी शैतान स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करता है कि उनकी लाइफ में उनको कोई गोल मिले, उनका ड्रीम जो है उसको फुलफिल वो करने में उनको मोटिवेट करने में पूरी कोशिश करता है। यार ये वाला सीन देखकर मुझे मेरे स्कूल के टीचर और मेरे कॉलेज के टीचर याद आ गए। ना ना ना, ये नहीं कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था अपने ड्रीम को पाने में। यार इवन मुझे तो ये ही नहीं बताया था स्कूल में हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें बनना क्या है। और भारतीय एजुकेशन सिस्टम की ये सबसे ज़्यादा घटिया बात यह है कि यहाँ के टीचर शायद ही कोई टीचर ऐसा होगा जो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करता होगा, उसे उसके ड्रीम के बारे में बताता होगा, उसे बताता होगा कि कैसे तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो या तुम्हें जीवन में क्या बनना है, क्या तुम्हें प्रतिभा है। ऐसा शायद ही कोई भारत के अंदर ऐसा कोई टीचर होगा जो अपने स्टूडेंट को ये सब बातें बताता है। खैर छोड़ो यार, जैसा मिलर इस मूवी के अंदर कर रहा है कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव और असंभव कोशिश वो कर रहा है, उनको मोटिवेट करने के लिए हर वो कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी लाइफ में जो भी उनका गोल है या जो उनको गोल नहीं पता उनको अपना एटलीस्ट गोल पता चले और वो उसको फुलफिल कर सकें। इस मूवी के लास्ट में भावुक कर देने वाले कुछ सीन है और बीच में भी कुछ भावुक कर देने वाले ही सीन है। और लेकिन अब कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी पिछले दो पार्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। सक मी शेक्सपियर पार्ट 3 में मिलर अपनी करियर को बचाने में लगा हुआ है और जैसा कि आप इसकी मूवी के तीनों पार्ट अगर एक साथ देखोगे तो आपको जो मिलर के अंदर एक जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। फर्स्ट मूवी जहां पर वो गलती से टीचर बन गया था, सेकंड मूवी जिसमें वो अपनी टीचर की जॉब छोड़ना चाहता था, लेकिन थर्ड मूवी में जो दिल से अब अपने टीचर के उस पद को पाना चाहता है, उसको बचाना चाहता है, उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए वो बहुत ज्यादा सीरियस है। और जो शैतान बच्चे हैं इस मूवी में जो फर्स्ट मूवी से अभी थर्ड मूवी तक मिलर को परेशान करते आ रहे थे वो अभी भी उनका सेम चल रहा है, वो अभी पागल हैं, वही अभी के अभी कमीने के कमीने पड़े हुए हैं। लेकिन इस मूवी में लास्ट में आते आते वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ चुके हैं और उनको जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने करियर पर वो फोकस करने लगे हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसमें कॉमेडी जो है पहली जो दो मूवी थी उसके कंपैरिजन में कम है, फिर भी ये मूवी हम लोगों को सेटिस्फाई कर देती है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 7 out of 10 stars। बाकी जैसे दोनों मूवियों को मैंने 8.5 दोनों मूवियों को दिया था, लेकिन कुछ एक कॉमेडी के कारण मैं इस मूवी को 7 ही दे पाऊंगा। और जाते जाते हिंदी डबिंग की बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है यार, हिंदी डबिंग इसमें दोनों मूवी के कंपैरिजन में वाहियात हो गई है। पता नहीं यार ये लोग कब सुधरेंगे, कब ये ढंग की हिंदी डबिंग करना स्टार्ट करेंगे। खैर जो भी था यही था बस आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।